ज्ञान व्यापी पर कोर्ट अब फाइल खंगाल रहा है, लेकिन योगी 10 साल से बता रहे हैं ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है। योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो वायरल है जिसमें योगी ने जज वाली फाइल 7 साल पहले ही पढ़ दी थी। वीडियो देखकर आप कहेंगे ज्ञान व्यापी विवाद पर योगी भले शांत हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग पहले से ही तगड़ी है। ये वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस ज्ञान व्यापी मस्जिद और मंदिर विवाद पर योगी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये वही योगी हैं जिनका वीडियो फिलहाल वायरल है। योगी आदित्यनाथ इस वीडियो में ज्ञान व्यापी मस्जिद के एक एक हिस्से में क्या है इसका खुलासा कर रहे हैं। वीडियो को सुनकर ऐसा लगता है जैसे योगी ज्ञान व्यापी मस्जिद में कई बार जाकर देख चुके हों कि कहां नंदी है और कहां शिवलिंग है। 2016 का ये वीडियो इंडिया टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू का है जिसमें योगी दावा करते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग, नंदी, गणेश और गौरी की मूर्ति है, जो फाइल आज कोर्ट तैयार कर पढ़ रहा है। ऐसा लगता है वो फाइल योगी आदित्यनाथ 6-7 साल पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या योगी की खामोशी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है, या ज्ञान व्यापी मस्जिद और शिवलिंग विवाद के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बेशक योगी ज्ञान व्यापी पर कोई बयान न देते हूँ, लेकिन वीडियो देखकर आपको साफ हो जाएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ ज्ञान व्यापी के नाम पर गुस्से से लाल हो जाते हैं। पहले वीडियो सुनिए, फिर आपको बताते हैं ज्ञान व्यापी और योगी का थोड़ा इतिहास। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्या बाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था ज्ञान व्यापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आप पूरे ज्ञान व्यापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। सीएम योगी ने बयान उस वक्त दिया था जब उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली थी, लेकिन अब योगी अपनी संवैधानिक मर्यादा समझते हैं, शायद इसीलिए अब तक चुप हैं। जहां तक ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात है तो इतिहासकार ये दावा करते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर इसे बनाया था। आज के मंदिर को 1777 में इंदौर की अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया। उसके बाद मोदी सरकार में यहाँ काशी कॉरिडोर बना, भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद अभी जारी है। ऐसा लगता है सीएम योगी के कार्यकाल में ये विवाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीएम योगी ने 7 साल पहले ही विवादित मस्जिदों को लेकर अपनी राय साफ कर दी थी। 9 फरवरी 2015 को वाराणसी में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वेटिकन सिटी में गैर ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ सब आ सकते हैं। वेटिकन सिटी मदर टेरेसा को संत घोषित करता है, लेकिन भारतीय संतों को विदेशी हित दृष्टि से देखते हैं। अगर मौका मिले तो देश की हर मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति विराजमान कर देंगे। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो ज्ञान व्यापी हम सबको मुंह चिढ़ाता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लोगों ने हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखा, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि ये सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई है। जब किसी भी देश पर हमला होता है तो वहाँ के लोग ही गुलाम नहीं बनते, बल्कि उनका धर्म, उनकी संस्कृति और उनका रहन सहन सब कुछ गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। जब हमने करीब 200 साल शासन करने वाले अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की, तो फिर अब सांस्कृतिक आजादी हासिल करने में आखिर क्या बुराई है? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। Beer Report.